न्यूज 21 के सभी दर्शकों को एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र की ओर से राधे राधे। देखिए, आज जो इस कार्यक्रम में हम जिस ज्योतिषीय सब्जेक्ट या विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो आज के आधुनिक काल मतलब मॉडर्न युग, या कह लीजिए कली काल, या कह लीजिए कलयुग जो है, उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया है। देखिए, मैं बात करूंगा आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, यानी कि व्यक्ति के पार्टनर के अलावा, यानी कि जो हम वैवाहिक संस्कार होता है हमारा, उसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से संबंध जो है, और ख़ास तौर से शारीरिक संबंध, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए, ये कब होता है, क्यों होता है, इसका हम ज्योतिषीय विवेचना करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर किसी के भी हॉरोस्कोप के अंदर वीनस यानी कि शुक्र और मंगल यानी कि मार्स किसी एक भाव में बैठ जाए, और उस पर मैलेफिक राहु यानी कि राहु की नेगेटिविटी की जो दृष्टि है उसके ऊपर पड़ जाए, और तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। या दूसरी ऐसी स्थिति जो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि किसी व्यक्ति के वैवाहिक संबंध जो है इस तरीके के बनेंगे। तो वैवाहिक जो संबंध के अतिरिक्त जो संबंध बनते हैं, उसके लिए अगर आपके हॉरोस्कोप यानी कि कुंडली में अष्टम भाव में अगर मंगल स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में ये संभावना और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम पाम की बात करें, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पामिस्ट्री और हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर, यदि आपके हाथ में ये जो हमारी लाइन है, लाइफ लाइन, अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाए, यानी कि मिड ऑफ इस सेंटर से आगे निकल जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि हमारा शुक्र जो है वो एक्सटेंडेड हो जाता है और नकारात्मक रोल प्ले करने लगता है, और ऐसी स्थिति में आपके ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट हो जाते हैं। देखिए, मैंने बहुत बार कहा है कि व्यक्ति के जो हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है, उसके आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, उसका चरित्र बनता है। और इसलिए अगर आपका कोई प्लैनेट या आपको लगता है कि जीवन में ये चीज़ मेरे साथ ठीक नहीं चल रही, तो आप अगर उसका ज्योतिषीय उपाय करें, यानी ग्रहों का उपाय करें, तो निश्चित तौर पर आपको उस समस्या से निजात मिलेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हॉरोस्कोप में आपके प्लैनेट्स की जो पोजीशन है, उसी के आधार पर आपके जीवन में ऊर्जाएं जो है संचरित होती हैं। यानी किस प्लैनेट की ऊर्जा नकारात्मक, किस प्लैनेट की ऊर्जा सकारात्मक, उसी के आधार पर आपको जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर अपने हॉरोस्कोप या अपने पाम, जिसे हम हथेली कहते हैं या हाथ कहते हैं, इसकी आपको विवेचना किसी विद्वान से जरूर करानी चाहिए, जिससे कि आपको अपने जीवन में आपके जो एक्स फैक्टर्स हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें, और जो आपकी नकारात्मकता है उसको आप कम कर सकें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याएं कम हो जाती हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि यदि आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं कि मैं आपको ज्योतिषीय उसके उपाय और उसके कारण बताऊं, तो आप कमेंट्स में उसे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।